अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एल्बो को किस तरह मार सकते हैं, और ये फेल वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको तीन स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने एल्बो इस जगह को कहते हैं, पता है, इस जगह को एल्बो कहते हैं। इसको मार सकते हैं, बंदे को किस तरह मार सकते हैं। इसके पोजीशन में आपको ये बताता हूँ। अच्छा, तो इसका पोजीशन में आपको बताता हूँ, ये पोजीशन हमारी है। तो हम एल्बो किस तरह मार सकते हैं, वन ये एल्बो इस तरह होगी, ठीक है, ये वन, दूसरा हाथ ऊपर होगा, ठीक है, वन टू ये एल्बो की पोजीशन है, वन टू ये जो बेसबॉल की डंडा है उससे खतरनाक है एल्बो। आप इसको प्रैक्टिस कर लें, बेसबॉल का जो डंडा होता है ना उससे खतरनाक, वो बड़े ख़तरनाक लगती है एल्बो। वन टू ये देख साइड से, वन टू दूसरी साइड से दिखाता हूँ, देख ये हाथ यहाँ रखा हुआ है, वन, दूसरा हाथ इधर, एल्बो लगती है बड़े ख़तरनाक, ये वन टू। अब ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इसको ये मारना, ठीक है, वन, ये टू, हाथ ये होगा, ठीक है, ये यहाँ से देख लो, वन टू, ठीक है, ये वन टू यहाँ से देख लें, वन टू सामने से देख लें, वन टू ये आपका जो हिस्सा है ना सर बिल्कुल कवर होगा, ये वन टू, इसके बाद टू, ये है, ये वन, एल्बो सामने से मार दिया, से मुड़ के ये पीछे से मार दिया, थोड़ा पीछे ताकि पूरा नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं, ये है वन, ये पैर का वन टू ये बंदा सामने करा, मैं भी सामने करा, वन एल्बो मार दिया, वन। अच्छा, तो मैंने ये बताया वन टू, इसके बाद वन टू, ये हमने तीन स्टेप बताए, 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद 5 6। अब मैं इसका प्रैक्टिस करना है, और एल्बो को मजबूत करने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अब उसको देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको कराटे से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। Thank you.